अस्सलाम वालेकुम, दिस इज तहान अग्रिया फ्रॉम ट्रेवल वाइन। तो दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बगैर वीजा के रशिया जाने का तरीका। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो। चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि बहुत सारे लोग जानते होंगे कि 2020 में हो रहा है यूरो 2020 फुटबॉल टूर्नामेंट, जिसके मैचेस यूरोप के मुख्तलिफ शहरों में हो रहे हैं, और इन्हीं शहरों में से एक है रशिया का फेमस सिटी सेंट पीटर्सबर्ग। यूरो 2020 के रशिया में होने वाले मैचेस के लिए रशिया आपको दे रहा है वीजा फ्री एंट्री। इसका मतलब यह है कि कोई भी शख्स बगैर वीजा के पाकिस्तान से रशिया जा सकता है, और इसकी वैलिडिटी है 30 मई से 13 जुलाई तक। लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस हैं। वो कंडीशंस क्या है जरा देखते हैं। मैच टिकट्स, फैन आईडी, रिटर्न एयर टिकट, कंप्लीट ट्रेवल आइटनरी या प्लान, और होटल बुकिंग्स। सबसे पहली मैंडेटरी कंडीशन ये है कि आपको परचेस करनी पड़ेगी फुटबॉल मैच की टिकट, क्योंकि इन्हीं मैचेस की टिकट की वजह से रशिया आपको दे रहा है वीजा फ्री एंट्री। रशिया के शहर सेंट पीटर्सबर्ग में 4 मैचेस शेड्यूल्ड हैं, जो कि ये हैं 13 जून बेल्जियम वर्सेस रशिया, 17 जून फिनलैंड वर्सेस रशिया, 22 जून फिनलैंड वर्सेस बेल्जियम, और 3 जुलाई को है क्वार्टर फाइनल। तो आप इनमें से किसी भी मैच की टिकट परचेस कर सकते हैं और हासिल कर सकते हैं रशिया जाने का शानदार मौका। मैच की टिकट परचेस करने के लिए आपको यूरो 2020 की वेबसाइट पर जाना होगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये बुकिंग 18 दिसंबर तक ओपन है, लेकिन दुनिया भर में फुटबॉल फैन फॉलोइंग ज्यादा होने की वजह से जितना जल्दी हो सके आप अपनी रिक्वेस्ट सबमिट करवा दें। तो आए टिकट बुक करने का तरीका देखते हैं। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो के जरिए आप अपनी टिकट की रिक्वेस्ट दे सकते हैं, जो कि 18 दिसंबर तक लिंक ओपन रहेगा आपके लिए। जैसे ही इस लिंक पर आप आएंगे तो आपके पास पहला ऑप्शन आएगा कि आप टीम सेलेक्ट करें या फिर आप जनरल टिकट बाय करें। अगर आप जनरल टिकट के लिए रिक्वेस्ट देंगे तो बहुत सारे लोगों ने मैचेस की रिक्वेस्ट दी भी होगी, तो ये ज्यादा प्रेफर नहीं है। आप टीम को सेलेक्ट करें और टीम के मैच की टिकट परचेस करें। तो भाई, रशिया में होने वाले मैचेस 3 टीमों के हैं, जिसमें से रशिया है, फिनलैंड है और बेल्जियम है। तो रशिया को सेलेक्ट करने के लिए इसलिए प्रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि रशिया के लिए वैसे ही बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे। तो हमारे पास फिनलैंड के भी 2 मैचेस हैं, तो हम यहाँ पे फिनलैंड को सेलेक्ट करते हैं। जब हम फिनलैंड को सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास ये पूछेगा कि भाई आप प्रायोरिटी मेंबर हैं, तो हम यहाँ पर नो कर देंगे। नो करने के बाद एक और विंडो ओपन हो जाएगी, इस पर हम अप्लाई फॉर टिकट्स पर चले जाएंगे। अप्लाई फॉर टिकट्स पे जाने के बाद एक नई विंडो ओपन हो जाएगी, जिसमें आपको यहाँ पर लॉग इन और क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये लोड हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद ये आपको कह रहा है कि आप रजिस्टर करें या तो फेसबुक से करें या गूगल से करें। तो भाई, मैं यहाँ पे रजिस्टर करता हूँ अपना गूगल से। मेरा गूगल अकाउंट यहाँ पे रजिस्टर हो जाएगा। मेरा गूगल अकाउंट यहाँ पे रजिस्टर हो चुका है और यहाँ पे से मेरी डिटेल्स दे दी हैं। तो आए इस फॉर्म को फिल करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से ये फॉर्म फिल होगा। सबसे पहले आपका नाम, इसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। इसने जेंडर भी ऑटो सेलेक्ट किया हुआ है। अब आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। मैं यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ। इसके बाद आपको एग्रीमेंट्स के ऊपर टिक करना है और क्रिएट अकाउंट पर जाना है। यहाँ से आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जब मेरा अकाउंट क्रिएट हो चुका है, अब मैं जाऊँगा क्रिएट और एडिट योर एप्लीकेशन पे। ये हमारे सामने खुल चुका है टिकट पोर्टल, और यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई सारी फील्ड्स को फिल करना है। तो आए फिल करते हैं। सबसे पहले नाम वगैरह इसने आपका एंटर कर दिया है। इसके बाद आपको नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है, पाकिस्तान। फैन क्लब मेंबरशिप आपकी नहीं है तो आप यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। पासपोर्ट नंबर आपको डालना पड़ेगा अपना। इसके बाद आपको एड्रेस डालना है अपना, पोस्टल कोड। यहाँ पर आपको सिटी सेलेक्ट करनी है अपनी, और अपना मोबाइल फ़ोन नंबर एंटर कर देना है। अगर कोई और फ़ोन नंबर है तो आप उसको भी एंटर कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे कंट्री कोड भी आपको सेलेक्ट करना है। तो पाकिस्तान का जो कंट्री कोड है वो है +92। मैंने यहाँ पे कंट्री कोड भी अपना सेलेक्ट कर लिया है। नेक्स्ट, मेरी फेवरेट टीम कौन सी है, तो मैंने पहले ही सेलेक्ट किया हुआ था फिनलैंड को। तो यहाँ पे मैं अगेन फिनलैंड को सेलेक्ट कर लेता हूँ और अपनी डिटेल्स को कन्फर्म करता हूँ, ठीक है। इसके बाद अगर मेरी कोई ग्रुप आईडी नहीं है, आप इसके बाद मुझे करना है टिकट को सेलेक्ट। भाई यहाँ पर ही आपको बता रहा है कि आप 4 टिकट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं टोटल। अब फिनलैंड के मेरे पास 3 मैचेस आ गए, जिसमें से 2 मैचेस इसके सेंट पीटर्सबर्ग में हैं। अब मैं चाहूँ तो मैं 1 मैच की टिकट सेलेक्ट कर सकता हूँ, या अगर चाहूँ तो मैं 2 मैचेस की भी टिकट सेलेक्ट कर सकता हूँ। 1 टिकट को सेलेक्ट किया है। अब इसके बाद ये मेरे से पूछ रहा है कि भाई कौन सी कैटेगरी में चाहिए। कैटेगरी 1 है आपके पास, जिसकी आपके पास टिकट प्राइस है 185 यूरो। कैटेगरी 2 है, जिसकी प्राइस आपके पास 125 यूरो। और कैटेगरी 3 है, जिसकी प्राइस आपके पास 50 यूरो। तो मैं यहाँ पे कैटेगरी 2 सेलेक्ट करता हूँ, और मुझे 2 टिकट्स चाहिए। तो
मैं दो टिकट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और इसके बाद ये मेरे से बोलेगा कि भाई गेस्ट कौन है आपका, तो मैं अपने गेस्ट का नाम एंटर कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। ये गेस्ट आपके साथ जाने वाला बंदा हो सकता है, अगर आप अकेले जा रहे हैं तो आप एक टिकट सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद यहाँ पर आप इसको ऐड कर देंगे। इसके बाद अगर मेरे को कोई और टिकट चाहिए, अगर लेट्स सपोज अगर मेरे पास कैटेगरी 2 में टिकट अवेलेबल नहीं होता तो वो मुझे अपनी मर्जी से कोई कैटेगरी में टिकट दे देगा, तो अगर मैं यहाँ पर किसी और कैटेगरी में एक्सेप्ट कर लेता हूँ तो वो मुझे किसी और कैटेगरी की टिकट भी दे देगा, और अगर मैं नहीं एक्सेप्ट करता तो मेरी कैटेगरी 2 में ही लिस्टिंग होगी। तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कि अगर किसी और कैटेगरी में टिकट अवेलेबल हो तो वो मुझे मिल जाए। इसके बाद यहाँ पर मैं कन्फर्मेशन पे टिक करूँगा। अच्छा जी, कन्फर्म माई चॉइस करना है, फाइनलाइज माई एप्लीकेशन, और अगर और टिकट चाहिए तो यहाँ पे जाके आप और टिकट्स को ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन को फाइनलाइज करता हूँ। यहाँ पे एप्लीकेशन फाइनलाइज करने के बाद, और इसने मुझे यहाँ पर एप्लीकेशन मेरी सबमिट हो गई है। अच्छा, एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, इसके बाद जनवरी में या फरवरी में आपको आपकी ईमेल पे कंफर्मेशन आ जाएगी कि आपकी टिकट सेलेक्ट हुई है या नहीं हुई है। ये इसने यहाँ पर मुझे ग्रुप आईडी भी दे दी है, तो इस ग्रुप आईडी को संभाल के रख लेना। यहाँ से टिकट बुक करने के बाद आपको फैन आईडी के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा। फैन आईडी आपके लिए रशिया में एंटर होने के लिए बहुत ज़रूरी है। फैन आईडी रजिस्ट्रेशन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आए, फैन आईडी किस तरीके से बनती है ये भी देखते हैं। फैन आईडी की लिंक खोलने के बाद आपके पास कुछ इस तरह की विंडो खुल जाएगी, और देखें आप इस पर देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है कि ये फैन आईडी आपके स्टेडियम में जाने के लिए भी ज़रूरी है और वीज़ा फ्री एंट्री रशिया के लिए ये फैन आईडी आपके पास लाजमी होनी चाहिए। तो इसको रजिस्टर करते हैं। तो सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई है, हम इसको डन कर देंगे और इसको नेक्स्ट करेंगे। अच्छा, इसके बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे डालना होगा टिकट नंबर, तो मैं यहाँ पे टिकट नंबर डाल देता हूँ। टिकट नंबर जब आपकी टिकट अप्रूव हो जाएगी तब आपके पास टिकट नंबर आपका अलॉट होगा और वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। इसके बाद यहाँ पे पिक्चर अपलोड करनी है आपको। ये पिक्चर जो होनी चाहिए ये पासपोर्ट साइज होनी चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड के साथ। इसने यहाँ पर एग्जांपल भी दी हुई आपको कि ये पिक्चर किस तरह की होनी चाहिए। आपको अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है जो कि पाकिस्तान है। इसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट है वो है पासपोर्ट। इसके बाद आपको यहाँ पे पासपोर्ट नंबर एंटर करना है अपना। इशूइंग अथॉरिटी होती है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। डेट ऑफ इशू, आपके पासपोर्ट की जो इशू डेट है आपको वो सेलेक्ट करनी है। सरनेम, पासपोर्ट में आपका सरनेम क्या है आपको यहाँ पे एंटर करना है। फर्स्ट नेम क्या है पासपोर्ट में वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। अगर कोई मिडिल नेम है तो आपको मिडिल नेम एंटर करना है, नहीं है तो आपको छोड़ देंगे यहाँ पर। इसके बाद आपको यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी है। अच्छा, जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल है या फीमेल है। इसके बाद नेक्स्ट, अब आपको अपनी ईमेल देनी है। ईमेल देने के बाद आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना है। इसके बाद जो ये फैन आईडी है ये आपको बाय पोस्ट डिलीवर की जाएगी, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन है, तो आप यहाँ पे बाय पोस्ट सेलेक्ट कर लें और यहाँ पे अपनी डिटेल्स दे दें कि आपको कहाँ पे ये पोस्ट के जरिए चाहिए। मैंने यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर ली। इसके बाद रीजन आपको बता देना है। ये फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट करना है और यहाँ पर आपको अपना सारा डाटा चेक करना है। जो जो डाटा सही है उस पर आप चेक लगा दें। ये सब करने के बाद आपको इसको सबमिट कर देना है। ये जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपके पास यहाँ पे टिकट नंबर आ जाएगा। इस टिकट नंबर का आप पास कहीं भी रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये था बगैर वीज़ा के रशिया जाने का आसान तरीका। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो या आप कोई हेल्प लेना चाहते हो तो आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलें, फिर मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।